प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, मैं विजेश अमृतसर पंजाब से आया हूँ जी। मैं पिछले 15 सालों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अनुभव या ध्यान नहीं लगता था, सिर्फ अनुभूति होती थी मणिपुर चक्र पर और आज्ञा चक्र पर और थोड़ी सी सहस्र चक्र पर स्पंदन होता था। और इस शिविर में थोड़ा सा ध्यान लगा और भस्त्रिका थोड़ी सी शुरू अपने आप हो जाती है, और बाकी ज्यादा कोई अनुभूतियां नहीं हुआ। ज्यादा नहीं, भले ही आपने अपनी अनुभूति दो शब्दों में कही या कुछ शब्दों में कही, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा। एक, आपका ध्यान लगने लगा और भस्त्रिका अपने आप चलने लगी, अर्थात आप आगे की ओर चल पड़े। ठीक है, अगर आप ज़्यादा साधना करेंगे, यानी अभी और साधना जब आप करेंगे, समय कुछ और ज़्यादा देंगे, शुद्धता बढ़ेगी, तब ये भस्त्रिका हो सकता तेज चले, एक अच्छी बात है। गुरुजी, मैं 3 घंटे के लगभग साधना करता हूँ, काफ़ी समय से लगा, 3-4 साल से बढ़ाई है साधना, लेकिन मेरा ध्यान लगता नहीं था, अभी इस शिविर के बाद शायद लगने लगे। लेकिन आप बता रहे हैं कि अभी यहाँ ध्यान लगता है थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो ध्यान शुरुआत में थोड़ी देर के लिए लगता है, कुछ क्षणों के लिए लगता है। जब आप अभ्यास करते रहेंगे लगातार, तो आपके अभ्यास के अनुसार, आपकी शुद्धता के अनुसार, आप अपने जीवन में जो समाज में व्यवहार कर रहे हैं उसके अनुसार धीरे धीरे उस समय की बढ़ोतरी होगी। मान लो आपका ध्यान 2 मिनट लगा, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान जब करें तो एक बार लगभग 1 घंटा तो करें, तो भले वो 5 मिनट आपका गहरा ध्यान लगा, फिर धीरे धीरे अवधि बढ़ती रहेगी, यानी मन स्थिर होता रहेगा। इसी को अभ्यास कहते हैं, धीरे धीरे शनै शनै बढ़ती। चलो, अच्छी बात है कि आपकी भस्त्रिका चल रही है, यानी आपका सूक्ष्म शरीर का एक विशेष जगह क्रिया हो रही है। मूलाधार पर कुछ दबाव सा पड़ता होगा या नाभि पर कुछ हरकत होती होगी? नहीं, मूलाधार पर तो नहीं, कल ध्यान में थोड़ी सी गर्दन में खिंचावट हुई थी। अच्छा गुरुजी, मैंने शादी नहीं की है और ना ही मैंने करनी है, बस इस साधना पथ पर आगे बढ़ना है, लेकिन अभी तक इतने सालों से सफलता नहीं मिल रही थी। 15 साल आपने कहे हैं मार्गदर्शक बनाया किसी को? हाँ जी, मार्गदर्शक बनाया। तो आपने अपने मार्गदर्शक या गुरुदेव से आपने ये समस्या बताई नहीं? गुरुजी, आपको बताना चाहिए गुरुदेव से कि 15 साल हो गए हैं, अभी हम ध्यान से यानी अभ्यास से संतुष्ट नहीं है, कृपा करें। अभी स्थूल शरीर में हैं आपके गुरुजी? स्थूल शरीर में हैं, लेकिन थोड़ी विपत्ति आई हुई है, उनके साधक बहुत ज्यादा होने के कारण मैंने उन्हें कभी पास से भी नहीं देखा। अच्छा, आपको ऐसे गुरु बनाना चाहिए जो आपकी समस्याओं को हल कर सकें, उनके पास समय हो, इसीलिए आपके सानिध्य में आया हूँ गुरुजी। चलो, कब तक आएंगे? हम भी अपना बोरिया बिस्तरा समेट रहे हैं, जैसे आपने अभी समेट लिया होगा। चलो, जब तक है तब तक सही, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, बस इतनी कृपा बनाए रखिए। हाँ, आप आएंगे शिविर, अगर भविष्य में होता आप आएंगे तो जरूर मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर सफलता मिली, यानी आध्यात्मिक मार्ग आपका आगे की ओर प्रशस्त हुआ, यानी ध्यान लगा और भस्त्रिका चली। भस्त्रिका चलना एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अभ्यास बढ़ाइए और जब भविष्य में शिविर में आएंगे तब देखेंगे आपका अभ्यास, आपने क्या अभ्यास किया है। ठीक है, अभ्यास करते रहिए गुरुजी। बिना ध्यान लगे क्या और बिना अनुभव आए क्या स्पंदन हो सकता है मणिपुर आज्ञा चक्रपुर और सहस्त्र? बिना अनुभव जरूरी नहीं अनुभव आए कि यहाँ स्पंदन, तो अनुभूति का विषय है, बिल्कुल हो सकता है, होता होगा। कई बार मुझे लगता है शायद भ्रम है मेरा, या लेकिन स्पंदन अभी भी हो रहा है।
हाँ होता रहेगा, बिना ध्यान के होता रहता है। जब कुछ साधकों की जिनकी साधना उग्र होती है, कुंडलनी उग्र होती है, तो बिना ध्यान के भी ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे रीढ़ सीधी हुई, आप बस में यात्रा कर रहे हैं, यानी वो साधक बस में यात्रा कर रहा है, ट्रेन में यात्रा कर रहा है, शांत बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है, ऑफिस में बैठा हुआ है, सीधा बैठा हुआ, और कभी अगर तखत पे, तखत यानी जो सीधा है, तखत पे या फर्श पे लेटा हुआ कुंडलनी अपना काम कर रही होगी, मतलब होते हैं, अब कह दो मैं ध्यान पे नहीं है कुंडलनी, हाँ होते है, आंतरिक क्रिया होती रहती है, कुछ साधकों को होती है और कुछ को नहीं भी होती है। तो कहने का ये जो सूक्ष्म शरीर है आंतरिक क्रिया कर रहा है, बिल्कुल स्पंदन होता होगा, सही है। कई बार जब हम किसी से नहीं मिलना चाहते लेकिन उसके पास जाना पड़ता है, तो तब स्पंदन आज्ञा चक्र पर थोड़ा तेजी से होता है। कोई काम नहीं करना चाहते, किसी से नहीं मिलना चाहते, लेकिन उसके पास जाना पड़ता है, तब स्पंदन तेजी से होने लगता है आज्ञा चक्र पर। जाना पड़ता है तो वहाँ क्रियाशीलता बढ़ती होगी। एक और बात बता दूँ, अगर कोई जगह शुद्ध है, यानी आपके अंदर शुद्धता है ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, मंत्र के द्वारा, त्राटक के द्वारा, जैसा कि आपने बताया कि आज्ञा चक्र में स्पंदन है, ठीक इसके विपरीत मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ। अगर किसी की कुंडली मान लो कंठ चक्र तक आती है और उसकी शुद्धता है, इसके बाद वो थोड़ा मिर्च वाला भोजन कर ले जिसमें मिर्च की मात्रा हो, तो वो तुरंत एकदम से गर्माहट महसूस होगी, पीठ में जलन होने लगेगी। उसका कारण ये होती है कि शुद्धता में जब अशुद्धता का प्रभाव पड़ता है या इधर उधर अशुद्धता फैलती है, तो वो उसकी अनुभूति होने लगी, क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता का आपस में विरोध है। शुद्ध जगह में जब अशुद्धता आएगी तो उसकी अनुभूति होने लगती है, और दूसरी तरफ जब अशुद्ध होता है और शुद्धता होने लगती तो भी स्पंदन होने लगता है। दोनों अवस्थाएं होता है, क्योंकि शुद्ध चीज जब अशुद्ध होगी तो शुद्धता अनुभूति कराएगा। तो आपको यानी समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर अशुद्धता आ रही है, आप अपने व्यवहार से समझ लें, निर्णय कर लें कि अशुद्धता आ रही है। जैसे यहाँ पर साधक बहुत से, यहाँ पर जो साधक आए हुए हैं ध्यान के समय, मंत्र के समय अनुभूति करते होंगे कि स्पंदन हो रहा है, या प्राणों का दबाव सिर के ऊपर हो रहा, प्राणों का दबाव आज्ञा चक्र पर हो रहा, अर्थात प्राण शुद्ध हो रहा है, क्रिया कर रहा है, नाड़ियाँ क्रिया कर रही हैं। तो हाँ, क्रिया करते हुए ऐसी अनुभूति होती है जी। अभी सुबह के ध्यान में संक्षेप में, ज्यादा समय ना लें आप संक्षेप, जी जी हाँ, नहीं नहीं बोलिए। सीधा बैठा हुआ था तो एकदम मैं नीचे की ओर, आगे की ओर, नीचे की ओर झुकने लगा, और काफी देर तक झुका रहा। फिर मैंने सोचा पता नहीं ये ठीक है या नहीं, और थोड़ा सा आपका ध्यान करके फिर मैं धीरे धीरे सीधा हो गया। अभी आज सुबह सुबह आगे की ओर, आगे की ओर मैंने देखा नहीं, वैसे तो मैं इधर देख रहा था, मैंने आपके ओर ध्यान नहीं दिया। ये तो ध्यानावस्था में जब आगे देखूं तब कुछ निर्णय ले सकता हूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।